नमस्कार, हरिद्वार से एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फाबेटिकली क्या कहता है आपका नववर्ष 2021। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे बी अक्ष वाले लोगों की। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ए अक्ष वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 2021 कैसा रहेगा, और आज हम आपको बताएंगे कि बी अक्ष वाले लोगों के लिए कितना खास है नववर्ष 2021। और देखिए, हमारे इस जो हमारी धर्म ज्ञान की जो खास पेशकश है, इसके पीछे का जो हमारा इसे लाने का जो कारण है, जो मेन रीज़न है, वो ये है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि उनकी जन्म तिथि क्या है, और जब सटीक जन्म तिथि की जानकारी नहीं होती तो ऐसे में उनकी सही राशि ढूंढ नहीं पाते, और जिसके चलते उनके ऊपर उनके राशिफल या उनके भविष्य के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्फाबेटिकली किस प्रकार आप जान सकते हैं अपना भविष्य, इसलिए हम आपके लिए धर्म ज्ञान से ये खास पेशकश लेके आए हैं। और आइए आज बात करते हैं बी अक्ष वाले लोगों की। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार बी अक्ष वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। मयंक जी से। मयंक जी, बिल्कुल। देखिए, बी अक्षर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, दृढ़ निश्चय देखे गए हैं, और हमेशा ये लोग दूसरों की मदद करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अलग थलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मित्र नहीं बनाते हैं। इनके मित्रों की संख्या थोड़ी कम देखी गई है, और सोशल एक्टिविटी में भी थोड़ा सा ये कम ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह का इनका नेचर होता है। ओवरऑल एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत विद्वान और बहुत ही बुद्धिजीवी जो किस्म के लोग होते हैं वो इस अक्षर में आते हैं, और अपने काम को बेहतर तरीके से ये करना जानते हैं। जीवन में बड़ी अच्छी सफलता इनको हासिल होती है, और ये कुछ ऐसे व्यक्ति होती हैं कि आप इनके ऊपर कभी भी हमेशा भरोसा कर सकते हैं। इनकी किसी को धोखा नहीं देते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, बिल्कुल। बहुत ईमानदार भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो इनका जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा रहता है जी। मैं जी, ऐसे में अगर बात की जाए कि साल 2021 इन लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो इनकी सेहत कैसी रहने वाली है इस साल? देखिए, इनकी सेहत जो है इस साल काफ़ी अच्छी रहेगी, सेहत में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन इनको कुछ महीनों में बड़ा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि मार्च का महीना हो गया है, जुलाई का महीना, सितंबर और अक्टूबर का महीना, इन चार महीनों में इनको सावधान रहना चाहिए। इन चार महीनों में इनको तकलीफ कोई बढ़ सकती है। हालांकि इसके अलावा अगर इस साल जो इनके स्टार्स की बात करें तो उसमें गुरु की स्थिति थोड़ी सी इतनी बेहतर नहीं है, जिसके कारण इनको पेट संबंधी कोई रोग या लीवर संबंधी कोई तकलीफ इनको रह सकती है। तो खान पान पर थोड़ा संयम ध्यान देके चलें जी। थोड़ा संभल कर खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनका स्वास्थ्य फिर बहुत अच्छा रहेगा और कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन इनको यही सलाह दी जाती है, अगर छोटी सी कोई सी भी समस्या है तो उसका तुरंत ये इलाज कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, तो इनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यानी कि कोई भी आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो शुरुआत में ही आप डॉक्टर को दिखाइए, उसे मत खींचेगा लंबा, वरना फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बी अक्ष वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा रहता है। उनके देखिए उनके स्वभाव के मुताबिक उनकी जो खूबियाँ होती हैं उसके बल पर मयंक जी क्या लगता है इन लोगों के लिए बेस्ट प्रोफेशन जिसमें ये बहुत अच्छा करता है, अपना 100% दे सकते हैं? बहुत अच्छे शिक्षक कहलाए जाते हैं, ऐसे लोग प्रिंसिपल होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं, आध्यात्म से, धर्मगुरु या आप कह दो कि रेकी, हीलिंग्स, इन सब प्रोफेशन से जिसमें भी अध्यात्म धर्म कर्म की चीज़ आती है उन सब से जुड़े हुए होते हैं और इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। वाणी के द्वारा प्रोफेशन कोई भी करते हैं तो उनको बड़ा लाभ मिलता है, या जनता से सीधा संपर्क कोई जिस काम में हो वो इनके लिए बहुत बेहतर है, जैसे कंसल्टेंसी इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और ऐसे लोग बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, तो कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही बुद्धिजीवी ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनको इंटेलेक्चुअल लोगों में रखा जाता है, और इनको व्यवसाय में भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, व्यवसाय में भी काफ़ी अपना नाम कमाते हैं। जीवन में अगर हम बात करें तो 23 वर्ष के बाद का समय इनका काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि 23 वर्ष की आयु के बाद जीवन में बड़ी तरक्की कर लेते हैं ये, और धीरे धीरे ये
काफ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। आमतौर पर इनको जीवन में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में चीज़ें भी इनको लाइफ में आसानी से मिलती रहती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं और कर्मशील होते हैं, तो जिसके बल पर जब भाग्य इनका कम साथ देता है उसके बावजूद भी ये अपने काम को सफलता अर्जित करते चले जाते हैं। मैं जी, क्या लगता है कि 2021 में जो लोग जॉब्स में है या फिर जो लोगों का अपना बिजनेस है, तो कैसा रहेगा इनके लिए अपना अपना कार्य क्षेत्र? देखिए, कार्य क्षेत्र इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस साल कार्य क्षेत्र में ये बड़े झंडे गाड़ेंगे और काम कारोबार इनका बहुत अच्छा चलेगा। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं, अगर नई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत ही शानदार योग इनके चल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। जी हाँ, आपके पर्सनल लाइफ में यानी कि लव रिलेशनशिप्स में आपके लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2021? देखिए, लव रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, आपके विवाह के योग भी बनते हुए इस वर्ष नज़र आ रहे हैं। तो ये साल जो है आपका वैवाहिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है अगर वो चाहें तो। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया समय है आपका, ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कुछ अचीवमेंट आपको मिलेगी। चलिए, ये तो अब तक हमने मैं जैसे जाना कि भाई आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सबसे बड़ी बात कि करियर कौन कौन से आपके लिए बेस्ट हैं, आप जॉब्स में हैं, बिजनेस में हैं, तो वहाँ आप कितना अच्छा कर पाएंगे नव वर्ष में। और अब बारी आते हैं आपके फाइनेंशियल फ्रंट की। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो होती है कि पैसा, मेहनत करा और पैसा ना कमाए तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे में जानते हैं कि भाई इस साल आप कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने वाले हैं। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियली इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और काम कारोबार की स्थिति से आर्थिक धन लाभ काफ़ी होगा, धन संचय भी होगा, तो धन संबंधी तो कोई भी ऐसी बड़ी समस्या इनको इस वर्ष नहीं रहने वाली है जी। और बेहतर आय के साधन इनके रहेंगे। जो लोग बड़े व्यवसायी हैं उनको भी काफ़ी फायदा इस समय होगा और एक से ज़्यादा आय के स्रोत बन सकते हैं। छोटे व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी नौकरी में काफ़ी तरक्की मिलेगी। कुल मिलाकर धन लाभ प्राप्ति के आपको अवसर इस वर्ष ज़रूर मिलेंगे। मैं जी, क्या लगता है कोई छोटी मोटी सावधानियां जो इन लोगों को बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस वर्ष इनको सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेहत का ही अपना ध्यान रखना है। सेहत का अगर ख्याल रखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, उसके अलावा और कोई ऐसी टेंशन वाली, कोई परेशानी वाली इनके लिए बात नहीं रहेगी। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो कितना प्रतिशत ये साल इनके लिए अच्छा रहने वाला है? देखिए, ये साल इनके लिए अगर देखा जाए जो सितारों की स्थिति है, 90% तक इनके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला रहेगा। यानी कि 90% नववर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बस आप अपने कर्म पे फोकस रहिएगा, फिर देखिए फल आपको दोगुने मिलेंगे इसके। चलिए, इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कोई सलाह ज़रूर दीजिए। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, मैं जिससे कुछ पूछना है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हरिद्वार से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।